चाने छोड़ के क्यों जा रहे हो? चाचा बोलो ना, चाचा चाचा चुप क्यों हो, बोलो ना। मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। चाचा चाली के सब लोग तुम्हें झूठा क्यों कहते हैं? इसलिए कि अब मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। चाचा ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारे लिए घर से चुरा कर लाया। मेरे लिए? तूने लड्डू नहीं चुराया, मेरा दिल चुरा लिया। अरे ना मुरादो, ऊपर आओ ऊपर। अगर वो झूठा था बाकी एक एक दिन बाद कह दूंगा। माँ बुला रही है, मैं एक दिन वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। जाओ बच्चो, माँ बुला रही है, माँ का कहना हमेशा मानना चाहिए। हैं जाओ 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 जाओ। चले हम राह उल्टी, प्यार दुनिया ने किया। जब चले हम राह उल्टी, प्यार दुनिया ने किया। राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। अब कहीं न जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। किस लिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। क्या दाम है इसका? हमारा खून। क्यों जुल्म करते हो अपने आप? बड़ी सख्त चमड़ी है मेरी, एक तो चाकू टेढ़ा हो जाएगा, दूसरे जेब से कन्नी भी नहीं निकलेगी। रुपया चाहिए ना तुम्हें? कोई दूसरा घर देखो। हाथों से टालता है। इसका आदमी किसने भेजा तुझे? बोल बोल। कहता हूं ज्वाला प्रसाद जी, मरने वाले के लिए एक नहीं दो दो जान।
क्या बात है ज्वाला प्रसाद जी, अभी तो एक घूंट भी आपके हलक के नीचे नहीं उतरा और हाथ कांप रही है। कुछ घबराहट है कुमार बाबू, अभी अपने आदमी का फोन नहीं आया। सीमा, तुम एक ऐसे माहौल में सांस लेती हो जहां डाकू और कातिल रहते हैं। कौन डाकू? कौन डाकू? जिस तरह अशोक की ठंडी लाश कहीं पड़ी होगी उसी तरह फोन की लाइन भी मुर्दा हो चुकी है। फिर भी कत्ल का मामला है कुमार साहब। तो क्या हुआ, कातिलों के स्कूल में आप कोई नए नए तो भर्ती नहीं हुए? जो शख्स अपने भाई का खून कर सकता है वो किसी बेगाने के खून से हाथ रखने से क्या घबराएगा? कुमार बाबू, आप बार बार ये जिक्र ना छेड़ा कीजिए। क्यों ना छेड़ू, इसी बहाने मरने वाले की याद ताजा हो जाती है। बस आपके हाथ तो मेरी दुखती रगा गई, एक गलती मुझसे क्या हुई कि जिंदगी भर के लिए कातिल करार दे दिया गया। आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी, ऐसा भी क्या, अब हम दोनों पार्टनर हैं। सीमा की शादी के बाद 50-50। मेरी बात पे शायद तुम यकीन नहीं करती, लेकिन अब कानों से सुन लिया ना। लेकिन ये सब क्या हो रहा है चाचा जी, कुमार बाबू, आखिर ये सब क्यों? सीमा, ये वक्त क्यों और कैसे का नहीं, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, यहाँ तक कि मेरी माँ को मेरे नाम से पैसे भी भेजे। आज यही एक मौका है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मुझे एक तरकीब सूझी है जो तुम्हारी मदद से कामयाब हो सकती है। क्या करना होगा मुझे? चाचा और कुमार को टकराने के लिए उनके सामने एक नाटक खेलना पड़ेगा, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ताकि उनका हशर ये होगा। लो ज्वाला प्रसाद जी, आखिरी घूंट भी आप ही पियो। अंकल आप अच्छे तो हैं? क्यों बेटी, क्या हुआ? मैं अच्छा भला तो हूँ। शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा गई थी अंकल। मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि कोई आदमी हाथ में छुरा लिया आपका पीछा कर रहा है। खूबसूरत लोगों को ऐसे भयानक सपने नहीं देखने चाहिए। ये लीजिए सीमा जी, आंसू पहुंच डाले। लीजिए लीजिए, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं। लेकिन मेरे सपने अक्सर सच निकलते हैं। लेकिन ये सपना तो झूठा है। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने सपने में आपकी लाश देखी अंकल। लाश? मेरी लाश? हाँ अंकल, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो खूनी कह रहा था अब तक तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। कुमार बाबू, ज्वाला प्रसाद जी, आप भी बच्चों की तरह कांप रहे हैं। देखिए सीमा जी, अगर आपको सपनों से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर कभी डर नहीं लगेगा। और अगर लगेगा नहीं तो कोई पास बैठकर तसल्ली देने वाला तो होगा। अशोक, बचाओ बचाओ। अशोक बचाओ। ये क्या, क्या तुम मेरे चाचा जी का खून करना चाहते हो? खून मैं नहीं, तुम्हारा चाचा करना चाहता है। सीमा, में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कल रात के हमारे जरे से झगड़े के लिए तुमने चाचा को मेरा खून करने के लिए मजबूर किया। ये दोनों छुरा तो तुम्हारे चाचा ने गुंडा के हाथ भेजा मेरा खून करने के लिए। Shut up! क्या तुमने हमारे खानदान को इतना गिरा हुआ समझ रखा है? आखिर क्या समझते हो तुम मेरे चाचा जी को? गुंडे या लफंगे तुम हो। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम जैसे आवारा दौलत के भूखे और किसी के खून के प्यासे इंसान को अपनी मुंह लगाया। गलती तुमने नहीं, मैंने की जो ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखे जो हर चीज को दौलत के तराजू में तोलते। अच्छा हुआ सीमा, आज मैंने तुम्हारी असली तस्वीर देख ली, आज से मैं इस घर में कदम ही नहीं रखूंगा। सीमा बेटी, सीमा बेटी, देख लिया तुमने अशोक को? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया किस आदमी को अपने नजदीक मत आने दिया करो। आप ठीक ही कहते थे अंकल, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल है, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जिंदगी भर आपके इशारे के खिलाफ नहीं चलूंगी, आप मेरे लिए जो चाहे करें।
जहां जाए मेरी शादी करते। मुबारक हो ज्वाला प्रसाद जी।